बच्चों, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? दीदी, हम लोग गेंद से खेल रहे हैं। दीदी, जब हम गेंद को लुढ़का रहे हैं, तब वह चलते चलते पहले धीरे होती है, फिर रुक जाती है। हाँ दीदी, ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारी गेंद चलते चलते इसलिए रुक रही है कि गेंद पर कोई एक और बल लग रहा है जो तुम्हारी गेंद को चलने से रोक रहा है। जानते हो बच्चों, इस बल को क्या कहते हैं? नहीं दीदी। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। दीदी, ठीक से नहीं समझ में आया। सुनीता, तुम्हें समझ में आ गया? नहीं दीदी। लाओ गेंद मुझे दो। जब हम गेंद को लुढ़काते हैं तो गेंद पर एक बल इसके विपरीत दिशा में लगता है। अगर मानो हम गेंद को पूरब से पश्चिम की ओर लुढ़का रहे हों, तो गेंद पर एक बल पश्चिम से पूरब की ओर लगेगा। और जब एक ही वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में लगते हैं, तो चलती हुई गेंद रुक जाती है। इसी वजह से तुम्हारी गेंद चलते चलते रुक रही है। अब समझ में आ गया कि तुम्हारी गेंद चलते चलते क्यों रुक रही है? हाँ दीदी। अब हम तुम लोगों को घर्षण बल कुछ और प्रयोग करके दिखाएंगे। सुनीता, ये सतह छू के देखो कैसी है। दीदी, ये तो चिकनी है। रमेश, तुम ये सतह छू के देखो तो कैसा है। दीदी, यह तो खुरदुरी है। अब तुम लोग अपनी अपनी गेंद लेके जरा इन सतहों पे लुढ़का के देखो। तुम लोगों ने क्या देखा? दीदी, मेरी गेंद कम दूरी तक गई। दीदी, मेरी गेंद रमेश की गेंद से ज्यादा दूर गई। रमेश, तुम्हारी गेंद खुरदरी सतह पे चल रही है और खुरदरी सतह इस गेंद पर घर्षण बल अधिक लगाती है, जिससे कि गेंद के चलने का विरोध होता है, इसीलिए तुम्हारी गेंद कम दूरी तक चली। सुनीता की गेंद इस चिकनी सतह पे चल रही है। चिकनी सतह वस्तु पर घर्षण बल कम लगाती है और जिससे कि यह गेंद अधिक दूरी तक जा रही है। तो दीदी, क्या इसीलिए हम चिकनी फर्श पर फिसल जाते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, चिकनी सतह पे हम लोग इसीलिए फिसल के गिर पड़ते हैं। रमेश, तुमने कभी बालू में चल के देखा है? जी दीदी। बालू में चलने से क्या होता है? हम लोग कठिनाई से चलते हैं। इसीलिए, क्योंकि बालू की सतह खुरदरी होती है और वो हम पे अधिक घर्षण बल लगाती है और हमारे चलने का विरोध करती है। इस प्रयोग से हमने क्या सीखा कि घर्षण बल वस्तु की सतह पर निर्भर करता है। अगर सतह चिकनी है तो घर्षण बल का मान कम होगा और अगर सतह खुरदरी है तो घर्षण बल का मान अधिक होगा। अब समझ में आ गया? जी दीदी। अब हम तुम लोगों को घर्षण बल के कुछ और प्रयोग करके दिखाते हैं। रमेश, ये गुटका लो, इसको खींच के देखो। अब इस पर ये भार और रखो। अब इसे खींचो। अब इस पर ये भार और रख के खींचो। तुमको बार बार खींचने में कुछ अंतर महसूस हो रहा है? जी दीदी, जैसा जैसे जैसे आपने भार बढ़ाया, वैसे वैसे खींचने में अधिक बल लग रहा है। तो क्या दीदी, इसीलिए भारी वस्तु खींचने में अधिक बल लगाना पड़ता है? क्योंकि भारी वस्तु पे घर्षण बल अधिक लगता है, इसीलिए भारी वस्तु को खींचने में हमें अधिक ताकत लगानी पड़ती है। ऐसा जानते हो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वस्तु जितने अधिक बल से अपने तल को दबाएगी, यह तल वस्तु पर उतना ही घर्षण बल लगाएगा और वस्तु का भार अधिक होने से घर्षण बल का मान भी अधिक हो जाएगा। अर्थात वस्तु पर लगे घर्षण बल का मान वस्तु के भार पर भी निर्भर करता है। जब हम गेंद को लुढ़काते हैं तो लुढ़कने में लगे घर्षण बल को लोटनिक घर्षण कहते हैं। दीदी, सरकने में लगे बल को? सरकने में लगे घर्षण बल को सर्पी घर्षण कहते हैं। इन दोनों का मान अलग अलग होता है। अब इस ट्रक को तुम देखो। इस ट्रक में ये पहिए लगे हुए हैं। दीदी, ट्रक में पहिए क्यों लगाए जाते हैं? ट्रक में पहिए लगाने से ट्रक को चलाना आसान होता है। अगर इस ट्रक के पहिए निकाल लिए जाएं, तो क्या तुम इस ट्रक को आसानी से चला सकते हो? नहीं दीदी, परंतु ऐसा क्यों होता है? पहिए ऐसा इसलिए होता है कि पहिए और धुरी के बीच में एक घर्षण बल होता है।
घर्षण बल जितना कम होता है पहिए को चलाने में उतनी ही आसानी रहती है। इसी सिद्धांत पे बाल बियरिंग वगैरह बनाए जाते हैं। बाल बियरिंग में छोटी छोटी गोलियां पहिए और धुरी के बीच में लगाई जाती हैं, जिससे कि इन गोलियों पर पहिया लुढ़कता हुआ चलता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसीलिए पहिए की वजह से वस्तु को चलाना आसान होता है। अब तो तुम लोग घर्षण बल के बारे में अच्छी तरह से जान गए होगे। जी दीदी। घर्षण बल से बच्चों कुछ फायदे भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। दीदी, हम घर्षण बल को कैसे कम कर सकते हैं? घर्षण बल को कम करने के लिए हम अगर उसकी सतह को चिकना कर दें तो घर्षण बल कम हो जाता है। सुनीता, तुमने कैरम खेला है? हाँ दीदी। बोर्ड को सरकाने के लिए तुम क्या करती हो? दीदी, हम उसमें पाउडर तो डालते हैं, पर ये नहीं पता कि क्यों डालते हैं। पाउडर डालने से कैरम बोर्ड की सतह चिकनी हो जाती है और कैरम बोर्ड की सतह और बोर्ड के बीच में लगने वाला घर्षण बल कम हो जाता है, जिससे बोर्ड आसानी से फिसलती हुई चली जाती है। घर्षण बल को कम करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि हम मशीनों में तेल डालते हैं। माता जी को सिलाई मशीन चलाते देखा है? अरे हाँ दीदी, जब हमारी माता जी कपड़े सिलने के लिए सिलाई निकालती है, जब मशीन भारी चलने लगती है तो उसमें तेल डालती है। मशीन में तेल डालने से उसके उसके बीच का जो घर्षण बल है वो कम हो जाता है और मशीन को चलाने में आसानी होती है। तो तुम लोग घर्षण बल के बारे में अच्छे से समझ गए होगे? हाँ दीदी। सुनीता, घर्षण बल किसे कहते हैं? वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। हाँ, शाबाश। और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। रमेश, तुम लोटनिक घर्षण और सर्पिय घर्षण समझ गए? जी दीदी। बताओ ये क्या होता है? लुढ़कने में लगे घर्षण बल को लोटनिक घर्षण तथा सरकने में लगे घर्षण बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। बहुत अच्छा। सुनीता, अब तुम ये बताओ कि घर्षण बल किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तल की प्रकृति पर और वस्तु के भार पर। अब आज हम लोगों ने घर्षण बल के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करी। तुम लोग अपने आस पास की चीजों में घर्षण बल के बारे में अध्ययन करना, उनके क्या उपयोग है, क्या फायदे हैं और क्या हानियां हैं, इनकी एक सूची तैयार करना।